Good morning students, welcome to our YouTube channel. In this video you are going to learn about the ocean currents. As the name indicates, the chapter is will going to explain to you. The name of the chapter itself explain to you. Ocean means samundar, currents means current means the flow of water, how it occur. So before going to the deeper, I will summarize that what you will learn after watching this video. You will learn what is ocean current and how it occurs, different types of ocean current, and how and what are the positive and negative effects of the ocean currents. सबसे पहले उससे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. What does any material flow? Sorry, when does any material flow? कोई material flow कब होगा? जब वो उसको slope लेगा, right? What happen exactly when it flows? क्या होगा जब flow होगा? तो it will change its direction, right? Similarly यहाँ पर एक activity दी गई है, एक tray लेकर उसको एक ट्रे लेके उसमें पानी डालना है और उसमें सीक्वेंस मतलब कुछ चमकीली चीज या जो थर्मोकोल के फुग्गे आते हैं ना वो डालना है. तो थोड़ी देर बाद घूमेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे. लेकिन अगर आप उसको हीट दोगे, यहाँ पर आप देखो दूसरी इमेज में एक मोमबत्ती जला के या चिमनी जला के उसको हीट दिया गया है, तो देन अगेन दिस दैट सीक्वेंस आर मूविंग, सर्कुलर मोशन में घूमेंगे. क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट वी अप्लाई द हीट. So after applying the heat, that water, that the temperature of water gets increases. If that जिस water का जिस जगह का temperature बढ़ेगा तो वहां पर ठंडा water आ जाएगा, है ना. तो similarly आपका geographical explanation दिया हुआ, it will occur to you as the temperature of water increases, the plastic sequence move from one place to another. As the temperature rises, जैसे ही temperature बढ़ेगा, यानी पानी गर्म होगा, the density of water decreases, यानी क्या है? Inversely proportional है. कि temperature अगर पानी गर्म होगा तो density कम होगा, density of water decreases, यानी कि ठंडे पानी का density ज़्यादा रहता है, and it is becomes lighter. गर्म पानी का density कम होगा और पानी जो रहेगा बहुत light हो जाएगा, and therefore the water having the lower temperature, which is heavier, replaces the water with the higher temperature. यानी कि ठंडा पानी उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे गर्म पानी है. After some time, the sequence start moving in circular motion. इसके ये ऐसे ही होते ही, जैसे ये process continue होता रहा, heat देते गए water को, तो ये circular motion होने लगेगा. There is a movement of this sequence because of the flow of water. तो इसी तरीके से on the planet Earth पे surface, we know the planet Earth having 71% of the water. That's why this circular or ocean current occur. ड्यू टू द तीन चीज इंपॉर्टेंट है ओशियन करंट के लिए. ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर फर्स्ट इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. दूसरा आता है डेंसिटी, कि कितना गहरा है पानी. तीसरा चीज क्या है? पहला डिफरेंस इन द टेम्परेचर, सेकेंड डेंसिटी, एंड थर्ड वन इज अ प्लैनेटरी विंड्स. ये तीन चीजों के कारण डिफरेंस इन टेम्परेचर, कम ज्यादा जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां क्या होगा, पानी हल्का हो जाएगा, तो वो ठंडा पानी गर्म पानी की जगह लेगा, राइट. इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सेकंड डेंसिटी एंड प्लैनेटरी विंड्स, दैट इज द मेन रीजन. सो अब यहाँ पर एक दिए भी है, वेरी स्ट्रेंज इंसिडेंट ऑकर इन द पैसिफिक ओशियन इन द ईयर 1992. अभी पूरा इंसिडेंट मैं बता देता हूँ कि एक 1992 में क्या हुआ, कि यहाँ पर हांगकॉन्ग से एक शिप निकला जो कि अमेरिका जा रहा था, राइट. अमेरिका उसको जाने का था, लेकिन बीच में ही हवाई आइलैंड पर वो डूब गया वो शिप, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो शिप में क्या था, वो शिप में बहुत सारे टॉयज थे. टॉयज मतलब खिलौने, बताता हूँ, टॉय डक इस तरीके का खिलौना था, और कितना था, 28,000 था. वो कब हुआ ये इंसिडेंट? 1992 में. 1992 से लेके 2007 तक के वो इधर उधर दुनिया के डिफरेंट ओशियन में बहता रहा. ये आप देख सकते हो, नवंबर 1992 में यहाँ गया, टोकोमा में 1996 में गया, 2000 में यहाँ गया, 2007 में यहाँ पे गया, right, on a different location of the planet Earth. That incident took place in 1992 में हुआ, लेकिन 2007 तक के वो टॉयज अभी तक मूव हो रहा है, और हो सकता है आगे भी अभी भी और जगह पे और ओशियंस में जा रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा वो. इट इज बिकॉज ऑफ द ओशियन करंट, पानी बह रहा है. पानी बह रहा कैसे है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, राइट, तो वो पानी हल्का हो गया, वो पानी हल्का हो गया तो फ्लो हो रहा ठंडी जगह पर. अंडरस्टैंड? जहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जैसे गल्फ कंट्रीज वगैरह में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो वहां पर क्या आ रहा है, पानी जो है वहां पर लाइट है, लाइट पानी जा रहा है हेवी जगह पर जहां पानी ठंडा हो,
तो इसलिए इक्वेटर के पास क्या है, यहां पर देखिए इक्वेटर, यू नो दिस इज द इक्वेटर, जीरो डिग्री इक्वेटर। अब इक्वेटर के ऊपर भी जा रहा है, इक्वेटर के पास गर्म इलाका है पूरा इक्वेटर रीजन, बिकॉज दैट रीजन रिसीव द सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, सूरज की रोशनी वहां पर साल भर मिलती है, तो उससे क्या हो रहा है वहां का रीजन पानी गर्म रहेगा, तो पानी लाइट हो गया, तो क्या हो गया ठंडा पानी वहां पर आएगा। अब ये देखो कि जब जो पानी अब इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जो विंड प्लैनेटरी ओशियन करंट फ्लो हो रहा है, इक्वेटर टू पोलर रीजन हो रहा है, इक्वेटर टू नॉर्थ पोल भी हो रहा है, इक्वेटर टू साउथ पोल भी हो रहा है, और वाइस वर्सा, मतलब नॉर्थ पोल पे जाने के बाद वापस पानी जो आ रहा है इक्वेटर भी आ रहा है, और इक्वेटर से वापस नॉर्थ पोल पे जा रहा है, सिमिलरली इक्वेटर से साउथ पोल की जानिब जा रहा है और साउथ पोल से इक्वेटर की जानिब आ रहा है, राइट इन दिस डायरेक्शन। लेकिन जब इक्वेटर से नॉर्थ पोल जाता है तो जब ओशियन करंट कौन सी डायरेक्शन रहता है, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं ना, तो उसको कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में ओशियन करंट होता है। लेकिन अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है, यानी नीचे जा रहा है, ब्राजील की तरफ जा रहा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टे कांटे की तरह घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ओशियन करंट होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज द ओशियन, ओशियन वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेस्ड ऑन द डेप्थ सरफेस, डेप्थ मतलब गहराई, सरफेस मतलब सतह, अपर सरफेस से कितने गहरे हैं उनके हिसाब से ओशियन वाटर को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द अपर लेयर एक्सटेंडेड अप टू 500 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, जहां पर अपर यानी समुद्र की सतह से लेके 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर तक की गहराई तक की, उसको कहते हैं सरफेस वाटर, और 500 मीटर के नीचे जितना भी गहरा है तो उसको डेप्थ, डेप्थ ओशियन कहते हैं। अब ये बता, यू कैन सी दैट द सरफेस वाटर, ये 10% ओनली कौन, द सरफेस वाटर कॉन्स्टिट्यूट ओनली 10%, जबकि 90% जो है ना डेप्थ ओशियन वाटर है। अब डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन सबसे ज्यादा ओशियन करंट फ्लो 90% यानी कि डेप्थ ओशियन करंट में ही। अब जाहिर सी बात है जब समुद्र की सतह से लेके सरफेस से लेके 500 मीटर जो कि सरफेस वाटर है, तो वहां पर सनलाइट आसानी से मिल जाएगी, तो क्या होगा द मूवमेंट इन दिस लेयर ऑकर मेनली ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, तो ओशियन ओशियन करंट कैसे होगा फ्लो होगा ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंसेस एंड सैलिनिटी एंड द प्लैनेटरी विंड्स गिव स्पीड टू द ओशियन करंट्स। लेकिन इसको स्पीड कौन देगा, मूवमेंट ऑफ फ्लो, आपको ध्यान रखना है कि फ्लो ऑफ वाटर क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द पहली मैंने आपको सिखाया कि हाई टेम्परेचर की वजह से पानी हल्का हो जाएगा तो वो फ्लो होगा ठंडे पानी की तरफ, है ना, और सैलिनिटी भी उसको वर्क करेगी, साथ साथ में प्लैनेटरी विंड्स इसको और स्पीड देगी। नाउ हॉरिजेंटल और सरफेस ओशन, हॉरिजेंटल को सरफेस ओशियन करंट जो कि 500 मीटर तक के होता है, द फ्लो ऑन द ओशियन ऑफ द ओशियन मूव्स ओनली 10% ऑफ द ओशियन वाटर, द सरफेस फ्लो इज कंसिडर्ड अप टू 500 मीटर ऑफ डेप्थ, द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द ओशियन इज मेजर्ड इन सेवर ड्रम यूनिट, that is one equivalent to the 1,000,000 cubic meter per second discharge, 1,000,000 मतलब 10 lakh cubic meter discharge होता है, it is का मतलब surface water को ही horizontal कहते हैं, लेकिन vertical जो रहता है वो deep ocean रहेगा, right? यहाँ पर एक question है, what are the major types of ocean currents? There are the two types of major ocean currents, warm ocean currents and cold ocean currents. What do you call the currents flowing from the equator to the poles? ये सारे question concern आपको इस video के देखने के बाद मिल जाएगा। Now keep watch this video till end. Question क्या है? What do you call the currents flowing from the equator to the poles? अगर equator से pole की तरफ जा रहा है तो उसको क्या करेंगे? क्या कहेंगे? Gyres. G-Y-R-E-S. Gyres बोलेंगे. Right? So that current is known as cold current. When the currents are moving in a circular manner, then northern hemisphere में clockwise घूमेगा और southern hemisphere में anti-clockwise. What might happen? Next question. What might happen at the places where the currents meet? जब आप ये ध्यान रखिए, when the cold current एंड वार्म करंट कैसे है, देखिए वेरी सिंपल लैंग्वेज में बता के इक्वेटर पे मैंने जैसे बताया कि गर्म इलाका है, तो इक्वेटर से जब ये करंट आगे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की जानिब बढ़ेगा, मतलब गर्म पानी दैट वार्म करंट मूव टुवर्ड द कोल्ड करंट, राइट, एंड जब लेकिन अब पोलर रीजन या नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ करंट आ रहा है या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ करंट आ रहा है तो क्या होगा, तो जनरली पोलार रीजन से इक्वेटर की तरफ कौन सा कोल्ड करंट आएगा और इक्वेटर से पोलार रीजन की तरफ वार्म करंट जाएगा। लेकिन व्हेन दिस वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मीट तो क्या होगा, दैट इज द, उससे क्या होता है कि उस रीजन में अल्गी और प्लैंकटन प्लांट जो कि समुद्री पौधा है वो उगता है, पेड़ है उगता है, अल्गी वगैरह उगते हैं, तो उसको मछलियां खाने के लिए आती है। अब मछलियां खाने के लिए आती है तो वो रीजन फिशरमैन के लिए, मछली मतलब जो मछुआरे रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, वहाँ मछली बहुत ज्यादा मिलती है।
So when two different types of current meet along the coast, then what type of human settlement and occupation are seen? The fishing activities there. So we have studied that the ocean currents are formed due to differences in temperature, density and planetary winds. In addition, the following reasons are also responsible for the direction of flow of ocean currents and their velocity. So following reason is rotation of the earth bhi ek karan hai. Because of the rotation of the earth, jo northern hemisphere mein clockwise ocean current hoga, aur jo southern hemisphere mein anti-clockwise hoga. अब इसमें ये बताया गया है कि द ओशियन करंट्स ऑफ द इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन आर सिमिलर, लेकिन जो इंडियन ओशियन है वो नॉर्थन साइड पे लैंडलॉक है, ऊपर की जानिब सारे लैंड्स है भाई, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट पूरा है ना इंडियन ओशियन के नॉर्थ में, राइट. तो ये क्या करता है, डिफ्लेक्ट दिस विंड चेंजेस देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन. मॉनसून विंड्स इन्फ्लुएंस दिस ओशियन ट्रेमेंडसली. हमारे इंडिया में और पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में जो बारिश आती है वो इंडियन ओशियन के जरिए आ रही है. इंडियन ओशियन करंट्स फ्लो इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन समर, while in the winter they flow in the opposite direction due to the reversal of the monsoon winds. तो 9th और 10th standard में आपको सीखोगे, हमारे इधर जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है. अब विद रिस्पेक्ट टू द वाटर ट्रांसपोर्ट टू, यानी अब हम जानते हैं कि ओशियन में शिप चलती है, जब ये शिप ओशियन करंट के डायरेक्शन में फ्लो होगी तो इसका स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगा और ये फ्यूल सेव करेगी. सिमिलरली नियर द कोस्ट वेयर द कोल्ड करंट फ्लो द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, लेकिन उस रीजन में जहाँ पे कोल्ड करंट फ्लो हो रहा तो वहां पे बारिश कम होगी, लेकिन ऐसे प्लेसेस जैसे ठंडा इलाका में है और वार्म करंट जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिटेन वगैरह में है, यूरोपियन कंट्री का बहुत सारा इलाका जो है एरियाज है वो ठंडा इलाका है, वहां पे जब ये वार्म करंट जाता है ना एट अ प्लेसेस वेयर द कोल्ड एंड द वार्म करंट में थिक फॉग इज फॉर्म. लेकिन जैसे मैं जहाँ पे मैं बता रहा था कि यूरोपियन कंट्री ठंडा इलाका है, लेकिन जहाँ पे वार्म करंट जाता है तो वहां पे उस थोड़ी देर के लिए टेम्पररी टाइम के लिए वहां पे उनको हॉट लगता है, विंटर में भी गर्मी फील होता है और प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है. तो नेक्स्ट वन इज अ डीप ओशियन करंट्स. वाटर करंट्स बियॉन्ड द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स आर नोन एज डीप ओशियन करंट. अब 500 मीटर के ऊपर तक कोस्टल सरफेस से लेकर नीचे 500 मीटर तक के सरफेस करंट्स और हॉरिजॉन्टल करंट्स, लेकिन 500 मीटर के नीचे डीप ओशियन करंट्स है. दिस इज नोन एज द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन. क्या है, द करंट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ओशियन. This is known as thermohaline circulation. These current flow till the sea bed of the ocean. They flow like a rivers continuously below the surface of the sea. Now we know the warm water has lower salinity and density. Such water comes to the surface of the sea, while the cold water with a high density goes down. तो अब जाहिर सी बात है cold water की density ज्यादा रहेगी, उसमें भारीपन ज्यादा रहेगा तो नीचे रहेगा, warm water गर्म पानी हल्का रहेगा तो ऊपर आ जाएगा. तो दिस इज अ थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन. अब इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ड्यू टू द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ सी वाटर ऑकर्स ऑन अ लार्ज स्केल. बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेशन ओशियन वाटर मूव्स फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉटम एंड फ्रॉम बॉटम टू द सर्फेस, मीन्स नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पानी जाता है. ड्यू टू दैट दैट इज द डीप ओशियन करंट्स, है ना. डीप ओशियन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जा रहा है ओशियन करंट, उसको कहेंगे डीप ओशियन करंट और वर्टिकल ओशियन करंट. लेकिन सरफेस ओशियन करंट को हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं, बिकॉज वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है सरफेस पे ही. अब सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट. आपको आप लोग सकते हैं कोस्टल रीजन के पास तो ओशियन करंट बहुत आता होगा, समुद्र की लहर आती है लेकिन वो बहुत ही स्लो रहता है. द ओशियन करंट डू नॉट फ्लो वेरी क्लोज टू द कोस्ट, अंडरस्टैंड, दे फ्लो नियर द लोअर लिमिट ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. कॉन्टिनेंटल शेल्फ से पहले वाले चैप्टर में सीखा स्ट्रक्चर ऑफ द ओशियन, उसमें मैंने आपको सिखाया. इस वीडियो के अंत होते ही एंड होते ही वो वीडियो देख सकते हो, अगर नहीं देखा होगा तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको समझ में आ जाए. इवन दो द वेलोसिटी ऑफ द ओशियन करंट इज लेस, द वाटर कैरिड बाय देम इज इन इवेंस, अंडरस्टैंड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज इन द मिड लैटिट्यूड द ओशियन करंट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्टर्लीज मतलब जब भी वेस्टर्लीज वर्ड आया ना, मतलब कि हवा वेस्ट से ईस्ट की जानिब जा रही है, और ईस्टर्लीज आया तो ईस्ट से वेस्ट की जानिब जा रही है, अंडरस्टैंड. द ओशियन करंट फ्लो फ्रॉम वेस्टर्लीज है इसलिए वेस्ट टू ईस्ट. But near the equator they flow from east to west. But near the equator they flow from east to west. This lead to the circular pattern. You can see figure 5.4. So we can see that upper equator ke upper west to east ho raha hai, lekin equator ke niche north for east to west ho raha hai direction. You can see that. So student, this is very interesting chapter. I hope you understand. If you understand, then don't forget to like this video and share this video and subscribe our channel Abbas Academy. और बेल आइकॉन को भी प्रेस करो, क्योंकि हम आप जैसे ही
जब भी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।